करेंगे खरगोन की, जहां बड़वा ब्लॉक की सिरलाय ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि गजेंद्र सेपटा और पंचायत सचिव राकेश टटवारे में ग्रामीणों के पीएम आवास योजना के पैसे निकाल कर देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, पंचायत सचिव और सरपंच प्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ साथ कियोस्क संचालक को भी धमका रहे हैं और हितग्राहियों को पैसे निकाल कर देने से मना कर रहे हैं। इसको लेकर कियोस्क सेंटर संचालक श्याम तंवर ने स्थानीय थाने में पंचायत सचिव और सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों की माने तो इस पंचायत में सड़क निर्माण, खरंजा निर्माण सहित अन्य शासकीय काम में भी जमकर धांधली की गई है, जिसकी जांचें हो जाए तो लाखों रुपए का गमन सामने आ सकता है। राकेश टटवारे जो सरपंच सचिव है अपने ग्राम पंचायत सिरलाय के, उनके मोबाइल से मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी भी हितग्राही के जिसके पीएम आवास योजना के पैसे हैं, ये इन्हें इनके पैसे आप नहीं निकालेंगे। और मुझे मना किया, बार बार दो बार मना किया कि इसके पैसे नहीं निकालना है आप लोगों को। और उनके पास खड़े तुरंत सचिव साहब ने अपने सरपंच प्रतिनिधि गजेंद्र सेपटा को फोन दे दिया कि लो गजेंद्र सेपटा जी से बात करो। गजेंद्र सेपटा जी ने मेरे से बात करी और मेरे को उन्होंने ये बोला कि आप ये पेमेंट नहीं निकालेंगे किसी भी पंचायत के किसी भी कस्टमर का जिसका पीएम आवास योजना का पेमेंट है, मेरी बगैर अनुमति के नहीं निकालेंगे। और मेरे को गाली गलौज देना प्रारंभ कर दिया साहब उन्होंने। संबंधितों से बात भी करी, उनसे पूछा कि वस्तुस्थिति क्या है, उस समय वो लिखित में आवेदन दे। मैंने मेरे अधीन सचिव से भी चर्चा की, उसको एक्शन जारी किया उसी उपलक्ष्य में, और उससे जवाब तलब किया गया। उसका जवाब असंतोषजनक पत्र होने के कारण उसकी विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव मेरे द्वारा जिला पंचायत खरगोन को पेश किया गया है। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता भूपेंद्र जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, आखिर क्या कुछ वजह बताई जा रही है कि पैसे निकालने से मना किया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की जो पीएम आवास की जो राशि आई है, ये उसके लिए पूरा मामला हुआ है। कहीं ना कहीं हितग्राही को पैसे पे इनकी सरपंच सचिव की नजर रहती है, इसीलिए कियोस्क संचालक को धमकाया गया है कि आप हमारे बिना पूछे किसी प्रकार की राशि न डालें। उसके बाद उसके इनके साथ गाली गुप्ता हुई, जो आप देख रहे हो समझ रहे हैं। उसके बाद भी गाली गुप्ता देने के बाद भी दूसरे दिन 8 बजे उनके घर जाके उनको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद उनको मजबूरन दोस्तों के साथ में जाके एफआईआर करवाना मजबूरी बन गई। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर समस्या है। ये समस्या कोई बड़वा की या सिरलाय की नहीं है, ये समस्या हर पंचायत में होती है। हितग्राहियों के साथ कई बार होती है, पर वो शिकायत नहीं कर पाते हैं। अगर वास्तविकता हो तो उसमें कहीं ना कहीं जांच होना जरूरी है। जी भूपेंद्र, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। बड़वा के जनपद पंचायत सीईओ हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बाबूलाल पवार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी, क्या कहेंगे सर, मामला सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो पीएम आवास योजना है उसके पैसे देने से मना किया जा रहा है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। जी, मेरे द्वारा जो ऑडियो वायरल हुआ उसकी जांच करवाई गई। जी, जांच के दौरान वो स्थिति सही पाई गई, तो हमारा कर्मचारी वहाँ पदस्थ था सचिव, उसको एक्सचेंज जारी किया गया, उससे जवाब लिया गया, लेकिन उसका जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण हमको प्रथम दृष्टया वो दोषी प्रतीत हुआ, इसलिए उसके खिलाफ हमने दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत खरगोन को प्रेषित किया। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें आज निलंबित कर दिया गया है। जी, और किसानों जो पीएम आवास योजना के तहत पैसे की जो बात कही जा रही है, वो कब तक उनको मिल जाएगी? वस्तुतः जो राशि है हम हितग्राही के अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं, और उस राशि को सिर्फ हितग्राही ही स्वयं ही निकाल सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जी बाबूलाल जी, ये आप और हम देखते आए हैं कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए या फिर निम्न स्तरीय लोगों के लिए, उसको लेकर हमेशा से ही मामले सामने आते हैं कि कुछ लोग ऐसे सामने आते हैं जो उस पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। आए दिन हम इस तरह के मामले देखते रहते हैं, आखिर क्यों इन पर कोई कानून नहीं बनाया जाता या कोई क्यों कठोर कार्रवाई नहीं की जाती?
जी नहीं, जायज शिकायत प्राप्त उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और ये सब जैसे मामले संज्ञान में आते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर आए दिन क्यों इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि कोई डर ही नहीं है ऐसे लोगों के अंदर? नहीं, डर है इसीलिए क्योंकि निलंबन हुआ है तो स्वाभाविक है कि संबंधित के जॉब के ऊपर असर हुआ है तो निश्चित रूप से दूसरों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और दूसरे इस तरह के फर्जीवाड़े करने वाले लोगों पर इसका असर हो और मामले थमे। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।